हेलो एवरीवन आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन डब्ल्यू एस क्यूबेक सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूट्यूब अपना चैनल खोलना चाहते हैं अब यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या यूट्यूब का यूज़ करके कहीं वीडियो मार्केटिंग करना चाहते हैं या अपने क्लाइंट की या अपने खुद के बिजनेस की तो उसके लिए अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो उसके लिए आपकी चेकलिस्ट क्या होगी यानी वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शुरुआती टाइम में चाहिए होंगी या आपको कंसिडर करना पड़ेगा उसी के बाद उन चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद ही आप अपना जो चैनल है वो शुरू कर पाएंगे और अच्छी ग्रोथ ला पाएंगे राइट सो so, इस वीडियो में हम चेकलिस्ट देखने वाले हैं जो सबसे पहले आपको कंसिडर करनी है बिफोर स्टार्टिंग योर चैनल ठीक है so, तो चलिए जी शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो है टू सेलेक्ट नीश ठीक है नीश बोलते हैं कई लोग इसे कई निश बोलते हैं राइट बट नीश इज द राइट वर्ड सो अपना नीश सेलेक्ट करना है आपको राइट right? तो नीश बेसिकली क्या होता है कि किस जॉनरे में किस सब्जेक्ट पर आपकी वीडियोस होने वाली हैं आप एक फूड ब्लॉगिंग करने चाहते हैं या ट्रैवल ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं या किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप वीडियोज बनाना चाहते हैं गेमिंग पर या किसी चीज का रिव्यू करना चाहते हैं या मेकअप स्किन केयर फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाना चाहते हैं लाइफ पर बनाना चाहते हैं है, doesn't matter. तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपना नीश है. है अपना 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 इसके लिए एक कि कि आप आप किस तरह से सकते हैं. राइट? वहाँ पर हम में समझेंगे कि आप अपना नीश जो करेंगे वो किन बेसिस पर करेंगे और कैसे करेंगे राइट? सो सबसे पहले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरेस्ट तो अपना इंटरेस्ट पहचानी आप बनाना चाहते हैं तो अपना फर्स्ट काम जो आपको करना है वो है अपना नीच सेलेक्ट करना राइट right? चलिए जी सो so नेक्स्ट जो आपका काम होगा जब नीच सेलेक्ट हो गया तो अब शुरुआत कहां से होगी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर और चैनल कब बनेगा जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो हम इस कोर्स में लेकर आ रहे हैं आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे कि, कि किस तरह से यूट्यूब पर आप अपना अकाउंट और चैनल क्रिएट कर सकते हैं राइट right? बहुत ही बेसिक चीजें आपको चाहिए होंगी अगर मैं इसी कैटेगरी में बात करूं तो आपको एक ई मेल आईडी चाहिए और एक बस आपका फोन नंबर

और एक फोन नंबर राइट उसके अलावा आपको जैसा कि पता है एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए राइट right? बिकॉज आपको नेट चलाना है यूट्यूब इज ऑल अबाउट सर्फिंग राइट सो आपको अच्छा हाई स्पीड नेट चाहिए क्योंकि अगर आप वीडियो रेगुलरली डालेंगे कॉन्टेंट डेली आप डालेंगे या फिर फ्रिक्वेंटली डालेंगे तो आपको हाई स्पीड नेट चाहिए अच्छा पी सी या अच्छा कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन से भी कई लोग आई हैव सीन जो मोबाइल फ़ोन से भी यूट्यूब को मैनेज करते हैं और काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर वाला आपको फोन चाहिए राइट right? सो so दैट एनी थिंग दैट शूट्स योर बजट राइट बिकॉज आई हैव सीन पीपुल बहुत ही बहुत ही कम बजट में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आधी धीरे काफ़ी अच्छी उन्हें ग्रोथ मिली है सो so, इसीलिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं आई थिंक वो बताने की जरूरत ही नहीं है एक अच्छा नेट चाहिए लाइट्स चाहिए अगर आप कुछ ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप खुद को कैप्चर कर पाएंगे राइट right? सो so, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए चलिए जी अब बात आती है जब चैनल बन गया एक बार तो चैनल की ब्रांडिंग करनी है क्योंकि एक टाइम बाद अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं या फिर पॉपुलर होना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि जो लोग हैं वो आपको आपके नाम से ही पहचाने आपके चैनल के नाम से ही राइट तो ब्रांडिंग और अकाउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब ब्रांडिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एक तो हमें एक अच्छा सा लोगो चाहिए वाटरमार्क चाहिए चैनल आर्ट चाहिए हमें राइट इनकी भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम ये लोगो चैनल आर्ट और ये सारी वीडियोस करेंगे तो किस तरह से आप बना सकते हो किस तरह से क्रिएट कर सकते हो राइट सो so, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके नाम से ही आपके कई तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से ही पहचाने जाते हैं यूट्यूब पर या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राइट सो ब्रांड बनाना अपनी एक ब्रांड क्रिएट करनी है ब्रांड बेसिकली क्या होती है जो अपनी

चीजें भी बताइए लाइक लोगो हो गया वाटर मार्क हो गया चैनल आर्ट हो गया ये सारी चीजें क्रिएट करवा लेना राइट right? चलिए आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं मैं कई सारी एप्स भी आपको आगे बताऊंगी लेटर वीडियोज में नहीं तो आप किसी से बनवा भी सकते हैं देर आर सो मैनी फ्री राइट सो चलिए अब नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो करना है अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें हम काफी सारी चीजों की बात करने वाले हैं यहां पर किस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है अपना किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके अलावा किस तरह से हम अदर

पर डिटेल में उसको जो पूरी जो पूरी उसकी स्टोरी है वो समझाना चाहते हैं राइट तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक आपको लेना है कौन सा टॉपिक पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है और उस पर क्या कॉन्टेंट डिलीवर करना है तो ये टॉपिक रिसर्च में आएगा क्योंकि मान लीजिए अगर आपको एक वीडियो बनानी है इंडो चाइना रिलेशनशिप्स पे फॉर एग्जांपल तो आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि उस टॉपिक के सबसे पहले तो और कितना कंपटीशन है उस टॉपिक का राइट अगर कोई ऐसा हॉट टॉपिक है यानी काफी ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है लेकिन बहुत सारे आप कंपटीशन नहीं देख पा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको उस पर वीडियो जरूर बनानी चाहिए और टॉपिक रिसर्च उसके बारे में बैकग्राउंड पूरा पढ़ो जाके काफ़ी सारे पेपर्स पढ़ो वीडियोस और भी जो आपके हैं उनका देखो कि इंडो चाइना के जो पर्टिकुलर जैसे कुछ वॉर्स हुए हैं या कुछ ट्रीटीज़ हुई हैं उनकी जाके वीडियोस देखो और फिर उनको कंबाइन करके एक बहुत ही अमेजिंग क्रिएशन बनाओ ठीक है सो टॉपिक रिसर्च करनी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक आस्पेक्ट रहने वाला है जो आपको कंसिडर करना ही है राइट चलिए अब बारी आती है इक्विपमेंट्स की अब ये सारी चीजें करने के बाद में आपको इकट्ठे करने हैं इक्विपमेंट्स राइट इक्विपमेंट्स क्या जो जो आपको आपका कंटेंट बनाने में चीजें लगने वाली हैं जैसे अगर आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप अपना फेस दिखाएंगे अपेयर होंगे अपने कंटेंट में तो आपको कैमरा की जरूरत होगी तो कौन सा कैमरा लेना है शुरुआत अभी मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हैं अगर कैमरा लेना है तो कौन सा लेना है राइट right, जब हम वीडियोज को एडिट करेंगे तो कौन से सॉफ्टवेयर पर करना है उस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेना है या फ्री से काम चलाना है कौन से कंप्यूटर

नेक्स्ट काम क्या आता है इक्विपमेंट इकट्ठा करना इक्विपमेंट्स के बाद में अब आप क्या करेंगे कंटेंट को क्रिएट करेंगे कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देंगे वीडियोस बनाएंगे जो भी आपने टॉपिक रिसर्च किए हैं इक्विपमेंट्स का यूज करके आप काफी अच्छा कंटेंट यहां पे बनाएंगे और कंटेंट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको कैलेंडरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए एक जनवरी से आप चाहते हैं कि आपके चैनल पर आपकी वीडियोस जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे साल में आप कितनी वीडियोस देना दे पाते हैं ठीक है आज आप अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आते हैं राइट डेली वीडियो लेकर आएंगे लेकिन आपको पता है कि आप इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप डेली वीडियो बना पाओ राइट सो तो सबसे पहली चीज जो आप प्रॉमिस अपनी ऑडियंस को कर रहे हो उसे पूरा कीजिए अगर आप बोल रहे हो उन्हें कि मैं वीक में एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा इस पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है तो आप उनको वो कंटेंट जो है डिलीवर कीजिए तो इसीलिए कैलेंडरिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आज मान लीजिए एक पर्सन आपकी वीडियो देख रहा है उसे पता है कि नेक्स्ट वीक ये पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है या इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करते उस टाइम तक तो वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन मैं सिर्फ एक पर्सन की बात कर रही हूँ और ऐसे ऐसे काफी सारे लोग जो है आपके चैनल से दूर हट जाएंगे तो कॉन्टेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है लेकिन साथ साथ में कैलेंडरिंग पे भी ध्यान देना है कि जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं वो क्या टाइम से जा रहा है जो हमने प्रॉमिस किया है राइट सो कैलेंडरिंग इज अमेजिंग ठीक है ये आपको करना ही पड़ेगा राइट right? चलिए जी अब जो नेक्स्ट आपको काम करना है ना कि आपका कॉन्टेंट भी बन गया कॉन्टेंट हमने अपलोड भी कर दिया राइट right? कैलेंडरिंग भी हो गई लेकिन अब आपको जो मेन काम आता है कि आपको अब आप जरूरत जिस चीज की पढ़ने वाली है वो है नॉलेज इनपुट टूल्स ऐसे टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी जो कि आपको बताएंगे कि आपका चैनल कितना अच्छा ग्रो कर रहा है या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके जॉनरे का आपके नीच का कॉन्टेंट बना रहे हैं उनका चैनल कैसा ग्रो कर रहा है वो ऐसी क्या चीजें चीज कर रहे हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे टूल्स की जरूरत आपको पड़ेगी और उनकी हेल्प लेके आप अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो आपके खुद के चैनल का एनालिसिस कर सकते हो आपको कई सारे सजेशन भी देते हैं वैसे मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी लेकिन कुछ सजेशन कुछ सॉफ्टवेयर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी लाइक like, uh, अगर आप पेड वर्जन uh, कर सकते हैं तो गूगल ट्रेंड इज देयर राइट सो वहां पर आपका ट्रेंड चल रहा है आपके ऑडियंस क्या देखना चाहती है आपका कौन सा पोस्ट कैसा चल रहा है कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेके गैदर कर करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपका जो कॉन्टेंट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रैंकिंग अच्छी मिले हमें और रैंकिंग अच्छी मिलेगी तो व्यूज भी अच्छे मिलेंगे राइट और व्यूज अच्छे मिले लेंगे तो मोनिटाइजेशन तो अपने आप हो जाना है राइट सो नॉलेज इनपुट टूल्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इनको देखो एक्सप्लोर करो इनको सीखो कि क्या है ये राइट right? काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से जो भी मैंने आपको बताई ना वो हम इस कोर्स में देखने वाले हैं राइट right? तो स्टे ट्यून चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कर लो जिससे वीडियोज़ जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो मिस ना हो अब जो आपको लास्ट स्टेप फॉलो करना है और लास्ट चीज़ जो आपको चाहिए अगर आप अपने चैनल को काफी लंबे टाइम तक ग्रो करवाना चाहते हैं या पॉपुलर होना चाहते हैं यूट्यूब पर तो आपको एक तो कंसिस्टेंसी ठीक है यानी कंसिस्टेंट रहिए अगर आप वीक में एक वीडियो डाल रहे हैं तो काफ़ी टाइम तक कंसिस्टेंट रह के वीडियो एक डालिए हर वीक जाए? आपका टाइम निकालिए चाहे ओवर टाइम कीजिए चाहे रात को जग कर वीडियो बनाइए लेकिन एक वीडियो जब आपने प्रॉमिस किया है अपने ऑडियंस को तो जरूर कीजिए ऐसा नहीं कि आज आप वीडियो आज वीडियो बना रहे हैं तीन महीने बाद फिर मन हुआ तो बना ली ऐसा नहीं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अगर नहीं बिलीव ना तो जो भी आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल्स हैं ना उनमें जाके देख लो चेक कर लो कि उन्होंने कब 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 वीडियो डाली है मोस्टली जो अच्छे यूट्यूब चैनल होते हैं ना उनका टाइम गैप जो होता है हर एक वीडियो के बीच में वो ऑलमोस्ट सेम होता है ठीक है अगर मान लो किसी पर्सन एक दिन में दो वीडियो डालता है तो आप उसका कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और कंसिस्टेंसी से ही आपको अच्छी रीच मिलती है राइट right? बिकॉज आपकी ऑडियंस है ऑडियंस क्या कर रही है वेट कर रही है आपका चाहे अगर आप अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो का उन्हें वेट रहेगा अगर वो टाइम पे नहीं मिली तो क्या होगा ऑडियंस चली जाएगी तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ पर एक और भी वर्ड मैंने यूज किया है रिलेवेंसी ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप एक वीडियो बना रहे हैं लेकिन उस वीडियो आपने बनाई कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं लेकिन उस टेक्नोलॉजी का जो अपडेटेड वर्जन है वो आ चुका है राइट लेकिन आपने अपनी वीडियो को उस अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया है आपके चैनल पर वो अपडेट नहीं आया है राइट जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड बना रहे हैं और सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर या कुछ रिलीज कर दिया लेकिन आपने अभी तक उस पर वीडियो बनाया ही नहीं है आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सारे बना के बैठे हैं तो जब ऑलरेडी बच्चों ने ऑलरेडी आपके स्टूडेंट्स वो वीडियो देख चुके हैं तो जब आप बाद में बनाएंगे लेट बनाएंगे तो टाइम मतलब नहीं रहेगा राइट तो कंसिस्टेंसी और रिलेवेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरा जो आपने जॉनरे अपना सेलेक्ट किया है ना उससे रिलेटेड उससे रिलेवेंट आपको वीडियोज बनानी है क्योंकि आपकी ऑडियंस जब आपके चैनल पर आएगी तो आपका नीच देख आएगी कि आप ये हम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ये ये टाइप की वीडियोज मिलेंगी राइट तो उस रिलेवेंसी से आपको हटना नहीं है राइट सो ये थी हमारी कुछ चेक वन से लेकर एट नाइन तक हमने कंसिडर किया कि क्या 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 आपको चीज़ें जरूरी हैं क्या -क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग अ चैनल राइट सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा इफ दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी डाउट हो राइट right? तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम राइट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो एंड थैंक यू सो मच